हैप्पी बर्थडे गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो भाई लोग, आज हम जा रहे हैं हनुमान मंदिर। वो एक्चुअली कि मतलब आज मेरा बर्थडे है, उसके लिए भी जा रहे हैं, और घर से कुछ आदमी आए हुए हैं तो उनको भी मतलब हनुमान मंदिर जाना है, तो उन लोग के भी साथ जा रहे हैं भाई। इसी कारण मतलब आज थोड़ी सी पूजा वूजा भी हो जाएगी, और भाई चलिए हनुमान मंदिर चल के दिखलाते हैं वहाँ की थोड़ी सी व्यू, फिर उसके बाद हनुमान मंदिर से पूजा करके आएंगे। गाइस मस्त नहाथ वाली है, अब जा रहे हैं महावीर मंदिर। गाइस हम लोग जा रहे हैं क्योंकि नीचे गाड़ी आ चुका है, चलते हैं वहाँ पे मिलेंगे। का गाड़ी आ चुका है, यही रेपिटो में आया था। यहाँ से भाई चप्पल रखने का भी व्यवस्था है, तो चप्पल भी रख दिए है यहाँ पे, और फिर अब जा रहे हैं पूजा करने। और गाइस प्रसाद किन लिए है, प्रसाद किन के अब जा रहे हैं पूजा करने। तो गाइस हम लोग मस्त पहुंच गए हैं महावीर मंदिर, और भाई लाइन में भी लग चुके हैं। और यार आज इतना खाली है, क्या ही बताएं यार, पूरा मतलब अंदर खाली है, पूरा अंदर खाली, एकदम मस्ती से यार, आराम से फ्री पॉन्ड में आराम से जाओ और मस्त जल्दी से आराम से पूजा करो और फिर आ जाओ। आप लोग देख सकते हैं बहुत खाली है, पूरा खाली है यार, कोई भीड़ नहीं। और हम लोग ने भाई मतलब प्रसाद भी ले लिया है, और मतलब किन लिया है, और भाई देखो अंदर की क्या ही मतलब व्यू, मस्त यार मज़ा आ रहा है। गाइस अंदर में बस इतना ही। सो गाइस अंदर में इतनी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, इतनी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्या ही बताएं भाई, एकदम शांत था। और भाई ये सभी आदमी मतलब हनुमान चालीसा वहाँ पे मिलता है, हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, और वहाँ पे सामने सामने हम लोग के बजरंग बली, ओ जय बजरंग बली, जय श्री राम जी। और भाई क्या ही मस्त मस्त पूजा कर रहे थे हम लोग। और गाइस ये देखिएगा, पंडित जी बहुत एक्सपीरियंस से माला पहनाते हैं, इतनी मस्त एक्सपीरियंस से माला पहनाते हैं कि डायरेक्ट आपके गर्दन में ही गिरता है, कहीं से भी देखते हैं पंडित जी डायरेक्ट आपके मतलब गर्दन में ही माला गिरता है। और गाइस ये देखिए प्रसादी मस्त वितरण हो रहा है, देखिए कैसे प्रसादी देंगे हमारे ये पंडित जी। गाइस यहाँ पे सबसे पहले पंडित जी आशीर्वाद देते हैं, फिर उसके बाद बताशा देते हैं, और फिर तुलसी जल देते हैं। भाई माना जाता है कि ये तुलसी जल और ये आशीर्वाद लेने से भाई हनुमान जी की कृपा आप पे बनी रहती है। गाइस मस्त पूजा हो चुका है, दिखलाते हैं यार, आज तो इतना बहुत भीड़ ही नहीं है, नहीं तो यार बहुत यहाँ पे भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा। गाइस यहाँ पे सभी आदमी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। भाई आज पूरा सारी भीड़ नहीं है, बहुत खाली है, बहुत खाली है। और हम लोग जा रहे हैं और मामा हैं और बहन आई है मेरी, और बस मामी है और कोई नहीं है। और भाई कुछ ऊपर की नज़ारा, ऊपर आज के मस्त यार, भाई ऊपर की नज़ारा देखो एकदम मस्त। ये है हमारी माता रानी, यार मस्त सजावट भी हुआ है, देख लो भाई जन्माष्टमी के दिन ये सजावट हुआ था। और गाइस से क्या ही मस्त व्यू है, ये देखो एकदम यार आराम से फ्री में, फ्रीली एकदम यार, इतना फ्रीली मस्ती से हर फोटो और वीडियो आराम से हो पा रहा है। गाइस मंदिर का स्ट्रक्चर उस इस टाइप से है, यहाँ पे पूरा मतलब पूरा मंदिर का बनावट दिखलाया गया है। और गाइस ऊपर से ये रहा कुछ व्यू एकदम मस्त यार, यार बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। यहाँ से क्या ही मस्त व्यू दिखलाई देता है, अभी ये देखो बन ही रहा है यहाँ पे, मेट्रो का भी ये मतलब काम चालू है, तो ये और बाकी ये भाई यहाँ से ये देखो पटना है,
जनसन का ये व्यू क्या इतना मस्त लगता है, क्या ही बताएं। ओपन द चैट मेरे भाई लगता है, और यार इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है, क्या ही बताएं मेरे भाई। ये देखो भाई पटना स्टेशन का क्या ही व्यू मस्त आता है यार, यहाँ से पटना जंक्शन है भाई, एकदम ओपन द चैट यार। ये पटना मंदिर मंदिर भाई नहीं मस्त यहाँ से लगता है, और इसके ऊपर हम निकलते हैं भाई, फिर उस बात टाटा घूमे, और यार इतनी मज़ा आ रहा है क्या ही बताएं। तो यार पहली बार मतलब हम भी ऊपर चढ़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है और ऊपर से तो और मज़ा आ रहा है। ये देखो यहाँ से तो भाई टिकट घर भी दिखाई दे रहा है, और पटना का जो मतलब स्टेशन है उसके ऊपर देखो कितना सारा है सोलर प्लेट। और ये देखो यार वो किंग द चैट बहुत मस्ती लग रहा है, बहुत मस्त लग रहा है यार। पूरा सा भी यार भीड़ नहीं है, इसी कारण यार आज आराम से ब्लॉग भी बना ले रहे हैं यहाँ पे। यार बहुत अच्छा जगह है, आप लोग भी एक बार यार जरूर यहाँ पे आना, अगर यहाँ पे मतलब आप पटना में आए हो तो भाई महावीर मंदिर जरूर आना, इतनी मस्त और पॉजिटिव वाइब्स आती है कि क्या ही बताएं। और भाई और यार यहाँ पे संकल्प हो रहा है सो हम ऊपर वाले फ्लोर से नीचे हैं, और फिर भाई नीचे वाले फ्लोर से इतना मस्त पटना जंक्शन का ये मतलब व्यू दिखलाई दे रहा था, क्या बताएं। और गाइस नीचे वाले फ्लोर में भी भाई बहुत ज़्यादा हनुमान चालीसा आदमी पढ़ते हैं निकाल, और फिर उसके बाद हम निकल गए, और भाई बाहर का निकलने का नज़ारा दिखना है आप सभी को। निकास द्वार पर भाई यहाँ पर पानी भी है मतलब पीने के लिए, और बहुत अच्छा मतलब भाई यहाँ का ये सब है। हम लोग निकल गए हैं गलते टाइम यहाँ पे, बहुत अच्छा यार राम जी का प्रतिमा है, बहुत अच्छा भाई। अब चलते हैं बाहर जाके, फिर मिलते हैं आप सबसे लास्ट में। आप निकलिएगा तो वहाँ पे मतलब टीका करने के लिए और लेडीज को सिंदूर करने के लिए वहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप, और भाई मेरी बहन देखो मेरे को टीका कर रही है, और बहुत ज़्यादा पसीना हुआ था तो वही बोल रही थी कि पसीना बहुत हुआ अंदर में यार, बहुत मज़ा आया सब चीज़ें। इस जा रहे हैं चप्पल लेने हम अपना, और भाई बहुत अच्छा हुआ, बहुत आसानी से भाई पूजा कर लिए, और भाई थोड़ी सी मतलब भीड़ रही थी, आसानी से पूजा भी कर ली। अब जा रहे हैं रूम पे, और गाइस गर्मी थोड़ी ज़्यादा है इसी कारण यार फेस पे इतना पसीना हो रहा है। आप लोग घुसिएगा उसके अंदर का ये व्यू है, ठीक है। इसे आप लोग पूजा का सामग्री भी किन सकते हैं, अंदर ही मतलब है भाई, आराम से आप लोग किन सकते हैं, ठीक है भाई। आज देखो कितनी ज़्यादा मतलब खाली है, इसी कारण भाई इतनी फ्रीली से ब्लॉग भी बना ले रहे हैं, नहीं तो भाई ब्लॉग के यहाँ पे तो भाई थोड़ी सी सांस लेने की जगह नहीं रहती है, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। तो भाई आज थैंक यू, जय श्री राम, हनुमान जी का भाई कृपा है कि भाई इतनी फ्रीली से हम लोग आज भाई पूजा कर लिए हैं, और भाई इतना मतलब घूम भी ले रहे हैं, नहीं तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा। हम अपना चप्पल लेते हैं यहाँ से भाई, चप्पल रखने का भी व्यवस्था है, तो यहाँ पे चप्पल रखे हुए थे, और चप्पल अब यहाँ से हम ले रहे हैं। चप्पल रखने के लिए यहाँ पे ये टोकन मिल रहा है, ठीक है, देखो टोकन दोगे भाई चप्पल आपको मिल जाएगा। हम लोग जा रहे हैं मस्त, बहुत अच्छा से पूजा हो गया है, अब भाई जा रहे हैं। सो गाइस हम अब जा रहे हैं, और रूम पे जाके आप सबसे बातें करेंगे मस्त, और बहुत अच्छा यार लगा पूजा करके। और गाइस देखो ये देखो भैया कितनी तेज़ी में नेम लिखते हैं,
भाई हम आप सभी को दिखला रहे हैं भाई, इतनी तेजी में इतनी फास्ट भाई नेम के पे लिखते हैं, क्या ही बताएं आप सभी को भाई। बहुत प्यारा लिखे थे भैया नाम, और बहुत अच्छा लगा मेरे को भैया से। हम एक बार और केक लिए हुए हैं तो भैया इतना अच्छा केक बना के देते हैं, क्या ही बताएं। सो गाइस, ये केक लाया है रवीश, और भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा, रवीश मेरे को इतना अच्छा मतलब ये किया है। सो रवीश थैंक यू तुमको मतलब केक लाने के लिए। ओह मस्त रवीश यार केक ला दिया है। और भाई लोग, आप लोग जैसा कि नहीं जानते होंगे, ये है रवीश, और रवीश मेरे को बर्थडे सरप्राइज दिया, और भाई अभी ये कैंडल जला रहा है। तो भाई बहुत अच्छा लगा मेरे को, एक बैग रवीश बर्थडे सरप्राइज मेरे को किया तो। और आप लोग देखे होंगे पहले वो मेरे से कॉल करके पूछा कि भाई उस पर क्या लिखवा दे, तो भाई मैंने बता दिया कि भाई लिखवा मैनेजमेंट साहब रवीश जी, अपना भाई यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट चैनल का भी नाम हो जाएगा। सो इसी कारण, और भाई मेरा आज बर्थडे भी था तो भाई बर्थडे से भी मेरे नाम पे हो गया। सो बहुत बहुत दिल से थैंक यू रवीश तुमको, और भाई आप लोग जितने आज देख लो भाई रवीश के लिए भाई कुछ प्यारे प्यारे वर्ड्स लिख देना, और अच्छे अच्छे विशेस भी कर देना, ठीक है। और भाई आप लोग बताना आप लोग को केक कैसा लगा, और भाई जो भी आदमी आप लोग देख रहे हो आप सभी आदमी थोड़ा थोड़ा केक खा लेना, क्योंकि आप भाई हम लोग की यूट्यूब फैमिली अच्छी खासी हो चुकी है, तो भाई हम लोग थोड़ी थोड़ी सभी आदमी खा लेंगे। और गाइस हम लोग के बहुत ही हम लोग के घर वाले सबसे प्यारे चाचा जी हैं, हमारे पति पापा, उनका पूरा नाम नीरज कुमार सिंह भाई, वन ऑफ द बेस्ट अंकल करके, ऐसा अंकल सभी को मिले, ऐसे अंकल भाई सभी को मिले, बहुत अच्छे मिले। अरे दे दादी तब प्यार से रख लो गाइस, केक खत्म होने के बाद अब ये कुरकुरा और चिप्स का पैकेट का पार्टी हो रहा है भाई, देख लो। जिसको भी चिप्स खाना है भाई आ जाना, और भाई केक भी खाना था तो आ जाना, ठीक है, अभी भी है। और भाई बताना आप लोग को भाई ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम, तब तक के लिए बाय।